चलो बेटा टेंथ में आते हैं। क्या बोल रहा है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। क्लियर कर दिया ये? राइट एंगल कहाँ बनाना है? कहाँ बनाना है? क्यू में। बहुत बढ़िया, बना लेते हैं। चलो एक समकोण त्रिभुज लिए और जहाँ भी 90 डिग्री होगा वहाँ पे क्यू फिक्स हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है वो? आगे वो बोल रहा है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पी मान लेते हैं, यहाँ आर मान लेते हैं, ठीक। तो पी क्यू कितना दिया हुआ है? अब देखो पी क्यू फिक्स है, 5 सेंटीमीटर है, किसमें कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद और क्या गिवन है? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्या है बेटा? इज इक्वल टू, अब यहां पर एक ही साइड गिवन है, लेकिन कम से कम हमको दो साइड तो चाहिए, तभी तो हम तीसरे निकाल पाएंगे, है ना। तो अब इसमें से हमको कोई दूसरा साइड निकलेगा। तो देखो यहाँ पे पी आर और क्यू आर है, ठीक है। आप इसमें काम कीजिए, क्यू आर को एक्स मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम? क्यू आर को क्या मान लेते हैं बेटा? एक्स। लेट कर लिए क्यू आर को एक्स, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा ये? पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा? कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो पी आर इज इक्वल टू बेटा 25 तो उधर पहले से ही है, एक्स को अगर हम उधर लेके गए माइनस एक्स होगा, तो ये क्या हो गया? पी आर का वैल्यू आया कि नहीं आया? तो पी आर की जगह पे हम कितना लिख देंगे? 25 माइनस एक्स, और क्यू आर को हम कितना मान चुके थे? यहाँ पे एक्स लिख दिए। अब देखो तीनों साइड हो गया फिक्स। अब इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? ये जो एच का स्क्वायर होगा यानी पी आर का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो पी आर का वैल्यू कितना है? 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और पी क्यू का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर, क्यू आर का। बात समझ में आ गई? अब ये सीधा सीधा ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये पूरे को आपको सिर्फ कैलकुलेशन में सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। लेटर को एक्साइट करेंगे, नंबर को एक्साइट करेंगे, और इस तरह से क्या निकालेंगे हम? एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका काम है कि एक्स का वैल्यू निकालें आप, और जो भी एक्स का वैल्यू आएगा उसको आप कहाँ पुट करेंगे? जहाँ पुट करना चाहिए, यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका पी आर निकल जाएगा, और एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? क्यू आर निकल जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कर दीजिए आप। साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है। पी को बेस एंगल मानिए और फिर निकाल दीजिए। बात समझ में आ रही है ना बेटा? देखो मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट देना और आपको मैथ्स बनाना सिखाना। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम पूरा सॉल्व कर दिए और आपको बोले उतार लो, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम आपको हेल्प करेंगे, कोशिशें आपको करनी होंगी, और इससे क्या होगा? आप मैथ सीखेंगे भी और आपके अंदर एक इंटरेस्ट भी आएगा कि कैसे होता है। बात समझ में आ रही है? इसको कर लेना बेटा, लिखो इसको।